अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग फाइन। और आज सैटरडे है, सुबह बहुत आज बिज़ी मॉर्निंग थी, जल्दी जल्दी नाश्ता किया 10 बजे, और हस्बैंड को भी मैंने एयरपोर्ट ड्रॉप किया, उनको अपने ऑफिशियल मीटिंग के लिए कहीं जाना था, और वापसी पे मैंने चिकन लिया और अब मैं घर जा रही हूँ। और लेट्स सी के बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि एमल और अयान अभी तक सो रहे थे, अब वो आई डोंट नो उठे हैं अभी तक के नहीं। घर में पहुंच गई ऑलमोस्ट 12 बजे, और आके मैंने देखा तो अयान अभी तक सो रहा है, क्योंकि अयान की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और एमल को मैंने नाश्ता करा दिया, उसके बाद मैंने नूडल्स बॉईल होने के लिए रखे, क्योंकि आज मैंने चाउमीन बनाना है। मैं चाउमीन थोड़ा सा रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाती हूँ, इसलिए मैंने इनको बॉईल करते हुए ज़्यादा कलर इनमें डालती हूँ। और आपने देखा होगा अक्सर रेस्टोरेंट्स में हम जब जाते हैं तो चाउमीन के नूडल्स जो होते हैं वो थोड़े से येलोइश होते हैं। उसके बाद मैंने बोनलेस चिकन ले लिया और इसको मैंने चॉप कर लिया जल्दी जल्दी से, और उसके बाद इसके अंदर मैंने एक अंडा डाला और काली मिर्च, चिकन पाउडर और कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया। इसके साथ अब मैं इसमें सोया सॉस और चिली सॉस ऐड करके मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया, और इसको मिक्स करके मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया। और उसके बाद मैंने सॉस बनाई चाउमीन की। सॉस के लिए मैंने चिकन पाउडर, गार्लिक पाउडर, काली मिर्च, नमक और चीनी ली, उसको एक बोल में डाल लिया, और उसके अंदर मैंने सोया सॉस ऐड की, उसके अंदर मैंने चिली सॉस ऐड की, और ऑयस्टर सॉस इसके अंदर मैंने ऐड की, और विनेगर ऐड किया। बाद में सॉस बनाने के बाद जब आप डाल देते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप बाद में चाउमीन में बाद में भी ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैंने 1/4 कप गर्म पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। जब मैंने इसको मिक्स कर लिया, मैं जब वेजिटेबल्स काटने लगी तो मैंने देखा मेरे पास गाजर नहीं थी और ना बंद गोभी थी, मेरे पास फ्रीज़र में भी गाजर ख़त्म थी और मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा था, इसलिए मैं जल्दी से वेजिटेबल शॉप वापस गई और वहाँ से मैंने गाजर ली और बंद गोभी ली और साथ में खीरा लिया। बाकी वेजिटेबल्स सारी घर में पड़ी हुई थी और फ्रूट्स भी, मुझे सिर्फ ये 2-3 चीज़ें चाहिए थी। ये लेकर मैं घर आई और घर आके मैंने जल्दी से वॉश करके इनको काटा। एक पैन में ऑयल ले लें, इतना ऑयल होना चाहिए कि उसमें चिकन आप फ्राई कर लें, जो हमने मैरिनेट करके रखा था उसको मैंने अच्छे से फ्राई किया, और मैंने इसमें सारा, जब ऑयल गर्म हो गया तो इसमें मैंने डाल दिया और इसको फ्राई किया। मैंने ये रेसिपी देखी थी एक चैनल पे, ऑनलाइन यूट्यूब पे, और मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने ये ट्राई की थी, तो इसलिए मैं अब चाउमीन इसी रेसिपी से ही बनाती हूँ अपने घर में। अयान और एमल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, एमल को भी फ्लू और बुखार है, अयान को बहुत ज़्यादा खांसी है, बुखार भी है और फ्लू भी है। 2-3 दिन से मैं मेडिसिन दे रही हूँ लेकिन बिल्कुल आराम नहीं आ रहा था। आज मैंने सोचा था कि मैं ये खाना जल्दी से बनाकर इसके बाद दोनों की मेडिसिन लेने जाऊँगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में खाना बना रही थी ताकि इसके बाद मैं दोनों को लेके जा सकूँ हॉस्पिटल। कभी कभी मैं अपनी फैमिली को, इन लॉज को यहाँ बहुत मिस करती हूँ, बिकॉज़ अगर कोई हो तो आपकी बहुत हेल्प हो जाती है, आपको अकेले सब कुछ मैनेज नहीं करना पड़ता। मेरे हस्बैंड क्योंकि अक्सर अपनी ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए बाहर चले जाते हैं कहीं, तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो जाती है घर को, बच्चों को और सब चीज़ों को ऐसे मैनेज करना, बट अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मैनेज हो जाता है। पैन में मैंने जो ऑयल एक्स्ट्रा था उसको मैंने निकाल लिया है, और इसमें मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल सिर्फ छोड़ा था। उसमें मैंने एक प्याज को बारीक चॉप करके इस तरह से डाल दिया, उसको हल्का सा सौते किया, और सौते करने के बाद मैंने इसके अंदर लहसुन को चॉप करके वो डाल दिया, इसमें चॉप नहीं, मैंने थोड़ा सा इसको पीस लिया था, और उसके बाद इसको मैंने डाल के 1-2 मिनट के लिए इसको फ्राई किया, और उसके बाद मैंने इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड की। वेजिटेबल्स आप भी अपनी पसंद से कोई भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। मैंने गाजर, बंद गोभी और हरी प्याज इसमें डाली थी क्योंकि मुझे यही पसंद है वेजिटेबल्स, और आज सिर्फ मैं ये अमीमा के लिए बना रही थी। हस्बैंड आज क्योंकि घर पे नहीं है तो इसलिए मैं सिर्फ चाउमीन बनाऊंगी, और दूसरा मैंने आज जो चिकन लिया था उसको मैंने वॉश करके रखा हुआ था और मैरिनेट भी मैंने कर दिया था। बच्चों की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कोई भी क्लिप उसका रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, बस जल्दी जल्दी मैंने उसको वॉश किया और उसके बाद उसको मैरिनेट करके रख दिया। उसको मैं स्टीम करके फ्रीज़ करूँगी बिकॉज़ बच्चों के लंच के लिए फिर बहुत हेल्प रहती है जब आपके पास ऑलरेडी हुआ हुआ, स्टीम हुआ हुआ चिकन पड़ा होता है, तो आप उसको सुबह जल्दी में बस फ्राई करते हैं थोड़ा सा और बच्चों को लंच बना के दे सकते हैं। तो मैं इस तरह के डिफरेंट अपने लिए काम आसान करने के लिए ऑप्शंस जो हैं वो करके रखती हूँ ताकि सुबह सुबह हैसल ना हो
और बच्चे जो हैं वो आराम से स्कूल चले जाएं, और इन केस अगर एमल अक्सर उठ भी जाती है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं आराम से मैंने कुछ ना कुछ बना के बच्चों के लिए कबाब और मिनी पिज़्ज़ाज और इस तरह की चीज़ें मैंने बना के फ्रीज़ की होती हैं, तो मेरी बहुत हेल्प हो जाती है लंच टाइम में। वेजिटेबल्स को पकाने के बाद मैंने इसमें जो चाउमिन सॉस बना के रखी थी वो ऐड कर दी, और इसमें उसके बाद मैंने चिकन जो फ्राई करके रखा था वो ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करके मैंने इसको थोड़ी देर दम पे रख दिया, लाइक 5 to 10 minutes मैंने इसको दम पे रख दिया। एंड बाकी आप अपने हिसाब से टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ कम लग रही हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे इसमें ऑयस्टर सॉस कम लग रही थी तो मैंने वो 1 teaspoon और ऐड की थी, और ब्लैक पेपर मुझे थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने वो भी ऐड की थी। अच्छा, मैं चाउमिन जो है वो बनाने के बाद जब उसको दम पे रखती हूँ, दम पे रखने से पहले मैं उसमें थोड़ी सी केचप ऐड कर देती हूँ। आई डोंट नो, बस मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे उसका फ्लेवर एक अच्छा लगता है, इसलिए मैं दम पे रखने से पहले इसमें थोड़ी सी केचप ऐड करके और इसको दम पे रख देती हूँ। साथ साथ एमल भी मेरे साथ किचन काउंटर पे ही बैठी हुई थी, बिकॉज़ आज एमल की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उसको फ्लू बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी। तो आज वो पूरा टाइम मेरे साथ किचन काउंटर पे ही बैठी रही खाना बनाते हुए, और मैं जो भी कर रही थी इवन चिकन धोते हुए भी वो मेरे साथ साथ थी। अल्लाह मियाँ बस बच्चों को कुछ ना किया करे, बिकॉज़ बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बच्चों को तकलीफ़ में देखना भी मुश्किल होता है और घर मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। साथ साथ मैंने जो चिकन को मैरिनेट करके रखा था उसको मैंने इस तरह से स्टीम होने के लिए रख दिया, और क्योंकि आज मेरे पास टाइम कम था तो कुछ मैंने स्टीम होने के लिए इस तरह रख दिया और कुछ मैंने इस तरह छोटी एक पैन में रख दिया। अब मैं इन दोनों को लेके गई हॉस्पिटल, दोनों डाउन थे, दोनों की तबीयत ख़राब थी, और उसके बाद हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाके मैंने दोनों को चेक कराया तो अयान के लिए डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट प्रिस्क्राइब किया, क्योंकि डॉक्टर को लग रहा था कि उसको चेस्ट इन्फेक्शन है, इसलिए वहाँ से हम फिर लैब गए और लैब जाके उसके टेस्ट मैंने कराए। क्योंकि अयान पिछले 4-5 दिन से इसी तरह है, उसका बुखार नहीं जा रहा और साथ में उसको खांसी भी बहुत ज़्यादा है और फ्लू भी, तो मुझे इतनी ज़्यादा इसकी परेशानी हो रही थी, मैंने सोचा कि मैं पेंडिंग में ना छोड़ूँ, ब्लड टेस्ट को आज ही करवा के जाऊँ। मेडिसिन लेते हुए जब मेरी नज़र इन दोनों पे पड़ी तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह, दे आर इन सो मच लव विद ईच अदर, कि मुझे देख के हमेशा इतनी खुशी होती है, अल्लाह मियाँ से ही रखे, आमीन। उसके बाद मैं घर जा रही थी, घर जाते हुए मुझे याद आया कि आटा ख़त्म है और मैंने यहाँ से आटा पिक किया जाते हुए, ये रास्ते में ही शॉप है, इसलिए मैंने सोचा कि दोबारा नहीं आना पड़ेगा। घर जाके मैंने एमल के लिए कस्टर्ड बनाया, और जल्दी जल्दी उसके लिए कस्टर्ड बनाने के साथ साथ मैंने ओट्स रख दिए बनने के लिए, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था चाउमिन खाने का, और अयान को भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था कि वो भी पोरेज और इस तरह की चीज़ें खाए, तो मैंने इसलिए ओट्स बनाए अपने और अयान दोनों के लिए। और तब तक जब तक मैं वापस आई तो मैंने इसको चेक किया, ये स्टीम हो चुका था, अब मैंने इसको फ्रीज़र में रखा। इन सब कामों के दरमियान में एमल जो है वो सो गई थी, उसको मैंने सुलाया और अयान गेम खेल रहा था, तो मैं थोड़ी देर बाहर गई क्योंकि अमीमा नीचे अपनी फ्रेंड्स के साथ मैच देखने गई थी, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच था। और हमारे कंपाउंड में जब भी कोई मैच होता है या कोई भी इस तरह की का दिन होता है तो पूरा यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, बच्चों के लिए छोटे छोटे से इस तरह की जंपिंग कासल्स और झूले लगाए जाते हैं और स्क्रीन का अरेंजमेंट होता है यहाँ पे। हमारे कंपाउंड और बाकी भी लोग जो है वो फैमिलीज़ के साथ आते हैं और यहाँ पे आके मैच देखते हैं, इंजॉय करते हैं, यहाँ पे फूड स्टॉल्स भी लगे होते हैं। तो एमल के सोने के बाद मैंने सोचा कि मैं एक दफ़ा अमीमा को चेक कर रहा हूँ कि वो क्या कर रही है, ऑल्दो कि यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत अच्छा सिस्टम होता है, कोई ऐसी डर वाली बात नहीं होती, बट स्टिल आई थॉट कि मैं जाके एक दफ़ा अमीमा को चेक करके आती हूँ कि व्हाट इज़ शी डूइंग। और स्टॉल्स भी फिर मैंने और अमीमा ने जाके देखे, वहाँ पर फूड स्टॉल्स बहुत अच्छे लगे हुए थे। क्योंकि अयान अभी मेरे साथ नहीं आया था तो मैंने सोचा कि मैं अमीमा को स्टॉल्स पर ले जाऊँ और उसको जो भी लेना है मैं उसको दिलवा दूँ। और यहाँ पे गोलगप्पे और हलीम बिरयानी, और बल्कि यहाँ पे कुछ ख़वातीन ने होममेड सैंडविचेस और कुकीज़ और कपकेक्स के स्टॉल्स भी लगाए हुए थे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था कि लोग इतना अच्छे तरीके से मैनेज्ड वे में ये सब लेके चल रहे थे। फिर मैंने ये जब झूले देखे तो मैंने सोचा मैं इन्हें को लेके वापस आती हूँ ताकि वो भी इंजॉय कर सके। और घर आके मैंने बच्चों के लिए
फ्राइज़ बनाए, क्योंकि अयान का दिल नहीं कर रहा था चाउमीन या चिकन खाने का, तो इसलिए मैंने अयान और एमल के लिए फ्राइज़ बना दिए। और फिर मैंने अपने लिए, मैंने आज ये सिंपल सा डिनर किया था, ओट्स के साथ मैंने फ्रूट्स लिए थे। और मैं अपना आजकल ये लाइट मील बहुत इन्जॉय करती हूँ। जब आप एक दफ़ा अपने आप को एक रूटीन में सेट कर लेते हैं, आप अपने लिए एक दफ़ा अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करते हैं, तो ट्रस्ट मी बहुत इन्जॉय करते हैं आप ये सिंपल और हेल्दी फूड। आज का दिन बहुत ज़्यादा टफ था और बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बिकॉज़ बच्चे बीमार थे और बहुत सारे काम भी करने वाले थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र गया और बहुत अच्छा गुज़र गया। बच्चे अभी थोड़ा बेहतर फील कर रहे थे। पूरे दिन के बाद ये टाइम होता है जब बच्चे बाबा के साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। आज क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे तो बच्चे बहुत चुप चुप थे, इसलिए आज जल्दी डिनर भी हो गया, सब कुछ कर लिया हमने। इसके बाद मैं एमल और अयान को भी लेके थोड़ी देर नीचे चली गई ताकि वो भी थोड़ा इन्जॉय कर सकें और एमल को मैं छोटी छोटी सी राइड्स दिलवा सकूँ और वो इन्जॉय कर सके। यहाँ पे नीचे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छा वेदर भी था, हवा बड़ी अच्छी चल रही थी और एवरीबडी वाज एंजॉयिंग देयर फैमिलीज़ के साथ। और एमल को जब मैंने इस पे बिठाया तो वो थोड़ा शायद तबीयत ख़राब होने की वजह से डर गई थी, शी वाज नॉट इंटरेस्टेड टू हैव एनी राइड। मैंने बहुत कोशिश की कि वो कोई झूला ले ले और थोड़ा इन्जॉय कर पाए, बट शी वाज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। और उसके बाद फिर मैं एमल को लेके थोड़ी देर यहाँ पे बैठी अयान के साथ दोनों। यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत अच्छा सिस्टम होता है, गार्ड्स ऑन ड्यूटी होते हैं हर तरफ ताकि वो सबको चेक कर सकें, कोई मिसबिहेव ना करे। इसके बाद मैच ड्रॉन हो गया और हम वापस आ गए एंड दिस इज़ एमल। पूरे दिन के बाद ये थक के इस तरह से सो गई। इस तरह के बहुत से दिन आते हैं जो बिल्कुल आपको अकेले मैनेज करने पड़ते हैं, बट वन शुड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।